गहरी सी दोस्ती है ना, हम लोग कह सकते हैं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में गहरी सी दोस्ती है ना। फिजिक्स कभी टेक्नोलॉजी को देता है, टेक्नोलॉजी कभी फिजिक्स को देती है, राइट। हमारे केस में हीट इंजन ने हमको थर्मोडायनामिक्स दिया, इसलिए हम लोग थोड़ा सा उल्टे वे में पढ़ते जाते है ना। स्टार्टिंग में हमको समझ में नहीं आता हम एक चीज क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं हीट इंजन के बारे में, तो हेडिंग डाल दो हीट इंजन। अभी लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट बना लो। ओके चलो। अच्छा अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हीट इंजन क्या होता है, व्हाट इज हीट इंजन। लेक्चर नंबर वन मैंने क्या बताया था, 1712 में, मतलब 18th सेंचुरी में हमको क्या पता चला था, 18th सेंचुरी में हमको ये चीज पता चली थी कि हम लोग हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्क करने के लिए, राइट। हम लोग हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्क करने के लिए। हमको ये चीज क्यों पता चली थी, क्योंकि हमने डायरेक्ट इंजन बनाया था। इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, ठीक है। इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, ये चीज हमको पता चली थी कि हम लोग हीट का इस्तेमाल कर वर्क कर सकते हैं, और उसका वही लॉजिक का इस्तेमाल करके हमने जो मशीन बनाई उसको हम लोग हीट इंजन कहते हैं। हीट इंजन इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स हीट, विच ट्रांसफॉर्म्स पार्टली, PATL by partly heat into work or mechanical energy. ठीक है, हीट इंजन क्या है, इट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स किस चीज को, हीट। अब देखो पार्टली मैंने लिखा उसका रीजन है हीट इंटू वर्क और मैकेनिकल, पार्टली मतलब कुछ अमाउंट में, पूरा जितना हीट दूंगा पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है हीट देता हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं लॉस होता है ना, कहीं ना कहीं लॉस होता है। हीट देता हूँ, हीट से वर्क होता है और बची कुछ हीट बाहर निकल जाती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो 100% यूटिलाइजेशन ऑफ हीट तो नहीं होता है, इसलिए मैंने पार्टली लिखा, पार्टली, ठीक है। हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स हीट एनर्जी इनटू वर्क, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे डिवाइस, डिवाइस क्या करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइस लिखना जरूरी है, ओके। इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, सेकेंड पॉइंट है, इट इज ए साइक, नहीं, इट फॉलोज, या फिर वी कैन राइट इट एज इट वर्क्स इज इट इज वर्किंग ऑन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। मैंने लिखा है इट इज वर्किंग ऑन साइक्लिक प्रोसेस। अब बताओ मैंने इसको साइक्लिक प्रोसेस क्यों बोला, सोच के बताओ। कल मैंने जो सिखाया था उसके ऊपर से सोचो, मैंने इस चीज को साइक्लिक क्यों बोला, हीट इंजन साइक्लिक क्यों है, पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो। हाँ ऑटोमेटिक, और कुछ बोलना चाहते हो? हाँ ऑटोमेटिक होने के लिए हमने साइक्लिक रखा है, और कुछ? देखो ना पिस्टन का अरेंजमेंट, देखो पिस्टन इनिशियल स्टेट पर था, कुछ समय बाद फिर इनिशियल स्टेट पर आ गया, है ना। क्यों कर रहे, ऑटोमेटिक करने के लिए, और साइक्लिक प्रोसेस क्यों बोला है, क्योंकि वो अपने इनिशियल स्टेट पर वापस आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग साइक्लिक प्रोसेस क्यों बोल रहे, क्योंकि वो अपने इनिशियल स्टेट पर आता है, इसलिए साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। और क्यों कर रहे हैं कि प्रोसेस ऑटोमेटिक होनी चाहिए। चलो पॉइंट लिख लेते हम लोग ऑटोमेटिक के लिए, ऑटोमेटिक
यहाँ पे बोलेंगे हम लोग पिस्टन रीचेस इट्स इनिशियल पॉइंट, है ना, पिस्टन कम बैक टू इनिशियल, पिस्टन कम बैक टू इनिशियल बैक टू इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखो, दो पॉइंट। क्या हम हीट इंजन के एग्जांपल बता सकते हैं, क्या क्या एग्जांपल हो सकता है हीट इंजन का, हीट इंजन के एग्जांपल्स बताओ। कल कौन सा एग्जांपल बताया था मैंने, स्टीम इंजन और ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक है। ये सारी चीजें नोट कर लो। हो गया? हाँ सर, हो गया। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हीट इंजन। बताओ कौन से टाइप है हीट इंजन के, टाइप्स ऑफ हीट इंजन। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ हीट इंजन, ठीक है, बताओ टाइप्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ हीट इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन राइट, ओके। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है? एक्सटर्नल में कंबशन बाहर होता है, इंटरनल में अंदर। हाँ बिल्कुल, बस यही पॉइंट लिखेंगे हम लोग, के ऐसे लिख सकते हम लोग के जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस आपको क्या होता है पता है राइट, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है इट टेक्स हीट, कंबशन होना मतलब क्या है हीट, हाँ, फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है, इट टेक्स हीट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इंजन, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सिलेंडर, ऐसे लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वर्किंग सब्सटेंस टेक हीट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर के आउटसाइड से लेगा ऐसा, ठीक है, सिलेंडर था उसके आउटसाइड से हीट ले रहा है, ओके, आउटसाइड या फिर एक्सटर्नली ऐसा वर्ड लिख सकते हम लोग। अब यहां क्या होगा, वर्किंग सब्सटेंस जो है इट टेक्स द हीट, फ्रॉम इनसाइड ऑफ सिलेंडर के अंदर से हीट लेता है, सिलेंडर, ठीक है, इसका मतलब कंबशन सिलेंडर के यहां पर क्या होगा, कंबशन इनसाइड सिलेंडर होगा, कंबशन इनसाइड होगा यहाँ पे, या फिर कंबशन इंटरनली होगा यहाँ पे, कंबशन एक्सटर्नली होगा, एक्सटर्नली और आउटसाइड ऐसे लिखना, ठीक है, कंबशन
एक्सटर्नली और आउटसाइड। ओके अच्छा, इसके एग्जांपल बता सकते हो? एग्जांपल क्या होगा इसका एक्सटर्नल कंबशन इंजन का? स्टीम इंजन। हाँ स्टीम इंजन, बहुत सारे एग्जाम्पल है हम लोग प्लस स्टीम इंजन देखते हैं। इंटरनल का फिर से वही ऑटोमोबाइल इंजन, राइट? ऑटोमोबाइल इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, हम एक ही लिखते हैं। कॉपी ओके, आई होप आपका हो चुका होगा ये। हाँ सर। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन के कंपोनेंट्स कौन से कौन से हैं? चलो बताएंगे आप लोग। देखो कंपोनेंट्स ऑफ हीट इंजन, ठीक है? हीट इंजन के कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे। हाँ चलो, जनरली देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ हीट इंजन। कौन से क्या आप बता सकते हो? कंपोनेंट ऑफ हीट इंजन कौन से कौन से? रिजर्वायर, वर्किंग सब्सटेंस, हाँ, एंड पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। वेरी गुड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वर्किंग सब्सटेंस के बारे में, ठीक है? ठीक है। चलो अभी वर्किंग सब्सटेंस के बारे में आपको क्या होता है तो समझ में आ गया है ना। अगर हमको इसको लिखना है, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है ये हमको लिखना है एग्जाम में, क्या लिखेंगे हम लोग? इसके डेफिनेशन बताओ जरा सोचकर। कुछ भी कह सकते हो, अपने लैंग्वेज में कह सकते हो, हिंदी मराठी में कह सकते हो, बस एक सेंस बनना चाहिए उस चीज का। हमको इसका डेफिनेशन अभी लिखना है, किस तरह लिखेंगे बताओ? वर्किंग सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कुछ एब्सॉर्ब हीट फ्रॉम अ रिजर्वर। हाँ देख के बता रहे हो क्या? वेरी गुड। नहीं सर, कल आपने ही बताया था। आप बताओ बताओ, सही बता रहे हो आप। इसके आगे लिख कर ही नहीं है सर। लिखा था। वेरी गुड। सुना अभी, वर्किंग सब्सटेंस का काम क्या है? वर्किंग सब्सटेंस का काम क्या है? अब जैसे मैंने वो डायग्राम बनाया था, उसको सोचो, जो वाटर था वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद सिलेंडर को धक्का मार रहा था, है ना? क्या कर रहा था? हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, सिलेंडर में जा रहा था, धक्का मार रहा था, बाहर सराउंडिंग में निकल के आ जा रहा था, राइट? जैसे हमारा इंजन, हमारा ऑटोमोबाइल इंजन होता है ना, उसके अंदर पेट्रोल होता है, पेट्रोल हीट एब्जॉर्ब करता है, ब्लास्ट होता है, धक्का मारता है, और बाकी का बचा कुचा जितना भी है गैस बनकर बाहर साइलेंसर के थ्रू निकल जाता है। तो वर्किंग सब्सटेंस का काम ही ये है, हीट को एब्जॉर्ब करना, काम करना और बाहर निकल जाना। हम लोग डिफाइन भी ऐसे ही करेंगे। चलो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस चीज को? वर्किंग सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। अब हॉट रिजर्वायर से एब्जॉर्ब करेंगे, राइट? इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, डज वर्क ऑन सिलेंडर एंड रिजेक्ट हीट इन कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर से हीट लेगा, सिलेंडर पे काम करेगा, कोल्ड रिजर्वायर पर रिजेक्ट करेगा, राइट? हॉट रिजर्वायर से हीट लिया,
सिलेंडर पे काम किया, कोल्ड रिजर्वायर पर रिजेक्ट किया, यही काम वर्किंग सब्सटेंस का होता है। हम लोग उसको अभी इंग्लिश में लिखेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, सब्सटेंस स्टीम होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, इट इज अ सब्सटेंस, इज अ सब्सटेंस। वी नीड थ्री कंपार्टमेंट्स राइट, तो हम इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे, इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे और इसको वहां एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज वर्किंग सब्सटेंस राइट। वर्किंग सब्सटेंस का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में, इट एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर कॉमा डज वर्क ऑन सिलेंडर। बोलने से अच्छा सिस्टम बोलेंगे हम लोग, जनरलाइज कर देंगे, है ना। इट एब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर डज वर्क ऑन सिलेंडर, उसकी जगह क्या बोलूंगा, डज वर्क ऑन सिस्टम। एंड रिजेक्ट्स हीट इन कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है ओके। वर्किंग सब्सटेंस के एग्जांपल कौन से हो सकते हैं फिर? वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, पेट्रोल है ना, पेट्रोल भी हीट एब्जॉर्ब करता है, डीजल लिख लेंगे, और क्या होगा, केरोसिन भी एक तरह का वर्किंग सब्सटेंस हो सकता है ना, केरोसिन, स्टीम लिख लेंगे सबसे पहले, STEAM, स्टीम। जो आइडियल गैस है वो भी तो वर्किंग सब्सटेंस है, हीट एब्जॉर्ब करता है, एक्सपांड होता है, काम करता है, रिजेक्ट करता है ना, आइडियल गैस, गैस एटसेट्रा, आपको जितने भी याद आते हैं, ठीक है। इस तरह के हम लोग वर्किंग सब्सटेंस लिखते हैं। और कुछ बात आपको वर्किंग सब्सटेंस लिखना है? चलो इतना काफी। सेकेंड इज रिजर्वायर, ओके। अब बताओ रिजर्वायर का मतलब क्या होता होगा, रिजर्वायर का मतलब क्या होता होगा, जिसमें से हीट लेते हैं और डालते, सोर्स ऑफ हीट। हाँ सही बोल रहे हो, सोर्स ऑफ हीट इज अ टाइप ऑफ रिजर्वायर। देखो रिजर्वायर मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ चीज निकाल लो तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई चीज उसको दे दो ठीक है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसके अंदर बहुत सारी हीट है, मैं उसमें हीट निकाल लूं ठीक है तो भी उस पर हीट निकालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता ठीक है, तो उसको भी रिजर्वायर कहते हैं। वो जो रिजर्वायर होता है बहुत सारी हीट जिसके अंदर होती है उसे हम लोग हॉट रिजर्वायर कहते हैं, है ना, जो हमको हीट सप्लाई करने का काम करता है। और जो रिजर्वायर में हम लोग हीट रिजेक्ट करते हैं उसे हम लोग कोल्ड रिजर्वायर कहते हैं, ठीक है। तो रिजर्वायर एक ऐसी चीज जिसके अंदर हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखो रिजर्वायर को इंग्लिश में सुनिए सबसे पहले, रिजर्वायर या फिर इट इज अ सिस्टम, सिस्टम व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड और रिजेक्टेड इट remains unchanged, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें से मैं हीट निकाल लू या फिर उसके अंदर हीट दे दू फिर भी वो जैसा क्या वैसा रहता है, ठीक है। इसके टाइप्स देखो दो तरह के रहते हैं, हॉट रिजर्वायर एक होता है, कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। हॉट रिजर्वायर को हम लोग सोर्स भी कहते हैं, याद रखना,
कोल्ड रिजर्वायर को हम लोग सिंक कहते हैं। सिंक सिंक मतलब डूबना, जिसके अंदर हम लोग डूब जाते हैं, जहां पे एनर्जी डूब जाती है। सिंक सिंक याद रखना, सिंक। ठीक है, अगर मैं हॉट और कोल्ड रिजर्वायर की बात करूं, हॉट रिजर्वायर को डिफाइन कैसे करेंगे? रिजर्वायर विच प्रोवाइड्स हीट कॉल्ड एज हॉट रिजर्वायर। ये करता है प्रोवाइड्स हीट, ये करता है एब्जॉर्ब्स हीट और हीट रिजेक्टेड इन दैट सिस्टम। ठीक है, और हीट इज रिजेक्टेड इन। ठीक है, ठीक है, इसका टेम्परेचर हायर होता है, टेम्परेचर हायर रहेगा देन सिंक या फिर कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, मैं आर लिखता हूं जगह नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर लोअर रहेगा, टेम्परेचर लोअर देन हॉट रिजर्वायर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है बताओ? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर, सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब हमारा सिस्टम, ठीक है, मतलब हमारा सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता, हमारा जो काम की काम का मतलब जो हमारे यूजफुल वर्क है, जो वर्क से हम लोग हमारी गाड़ी चलाने वाले हैं, जो भी इंजन से जरूरी थोड़ी ना गाड़ी चलाएंगे हम लोग, वो वर्क का कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, यूजफुल वर्क। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमको क्या करेंगे, यूजफुल वर्क देना है, इट यूज यूजफुल वर्क। ठीक है, नोट डाउन, नोट डाउन। हो गया। आप लोग नोट्स कब लिखते हो, स्क्रीनशॉट के नोट्स कब बनाते हो आप लोग? इवनिंग में, क्लास होने के बाद, क्लास होने के बाद बनाते, पक्का बनाते हो? क्या होता है इसके वजह से आपके नोट्स, फॉर एग्जांपल समझो अभी मैंने, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और कुछ काम आ गया, बोलो क्या बोले आपने? सर थोड़ा उस साइड हो जाओ ना। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, लो ठीक है। तो मैं होप करता हूँ आप लोग क्या बोलते हैं इसको, नोट्स ठीक से बना रहे होंगे, क्योंकि यार नोट्स अगर कंटिन्यूटी नहीं रहेंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना, समझ में भी नहीं आएगा, और नोट्स बनाने से क्या एक रिवीजन हो जाती है। ओके, चलो ये हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ वर्किंग ऑफ हीट इंजन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स ऑफ वर्किंग ऑफ हीट इंजन। तो हर क्लास के नोट्स आप लोग बाद में बनाते हो या क्लास में बनाते हो? बायोलॉजी केमिस्ट्री के नोट्स, मैथ और फिजिक्स के बाद में बनाते हैं, बाकी क्लास में हो जाते हैं। हाँ सर। अच्छा ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स ऑफ वर्किंग ऑफ हीट इंजन। वही स्टेप है, क्या करेंगे देखो, स्टेप में क्या होता है, हॉट अपना वर्किंग सस्पेंस हीट एब्जॉर्ब करेगा, इंजन वर्क करेगा और हीट रिजेक्ट हो जाएगी, बस तीन स्टेप है।
सबसे पहला स्टेप वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट, एब्जॉर्ब हीट, हीट एब्जॉर्ब करेगा वर्किंग सब्सटेंस, उसके बाद वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम से काम होता है, उसके बाद हीट रिजेक्टेड फ्रॉम सोर्स लिखता हूं, ठीक है, फ्रॉम सोर्स मतलब सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है, हीट रिजेक्टेड इन सिंक, राइट, सोर्स एंड सिंक, इस तरह से, ठीक है, दीज आर द थ्री स्टेप्स ऑफ हीट इंजन, ठीक है। अब हीट इंजन को समझने के लिए बहुत बेसिक डायग्राम बनाई जाती है, उससे हम लोग कहते हैं एनर्जी डायग्राम, तो अभी हम लोग एनर्जी डायग्राम देखेंगे, देखो एनर्जी डायग्राम कैसे बनाते हैं, एनर्जी डायग्राम, तो कौन से कंपोनेंट थे, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स, सबसे पहला कंपोनेंट था वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट था रिजर्वर, थर्ड कंपोनेंट इज सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर रेजिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग रिजर्वायर बनाते हैं, देखो दो रिजर्वायर रहते हैं, एक रहता हॉट रिजर्वायर एक रहता कोल्ड रिजर्वायर, हम लोग क्या करेंगे हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है कोल्ड रिजर्व हॉट रिजर्वायर का, तो हम लोग इसको हॉट रिजर्वायर बनाएंगे, देखो ये हॉट रिजर्वायर, इसमें लिखता हूं हॉट रिजर्व, ठीक है हॉट रिजर्वायर, अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, हायर टेम्परेचर होगा और इसके टेम्परेचर को टी एच कहेंगे, ठीक है टी एच। अब यहां से ये हॉट रिजर्वायर से क्या होगा, वर्किंग सब्सटेंस हीट लेगा, ले ली इसे, ठीक है ये वर्किंग सब्सटेंस हीट लेके जा रहा है, मैं इसको जो हीट लेगा उसको मैं क्यू एच कहता हूँ, ठीक है इसने हीट ली, समझो यहाँ पर मेरा इंजन है, ऐसा गोल बनाता हूँ मेरा इंजन, ये मेरा इंजन है, ठीक है, क्या होता है इंजन के अंदर हीट जाने के बाद हमको क्या मिलता है, बाहर वर्क मिलता है, हमको बाहर वर्क मिलता है ना, ये मेरा लग गया वर्क, ठीक है, बची कुची हीट रिजेक्ट होती है इस सिस्टम में से, ये हो गई हीट रिजेक्ट, लेकिन कहाँ रिजेक्ट होती है, कहाँ रिजेक्ट होती है, कोल्ड रिजर्वायर, तो ये मेरा हो गया कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है यहाँ पे लिख दू कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है इसका टेम्परेचर क्या होगा टीसी, इसको सोर्स भी कहते हैं सोर्स, ठीक है इसको सिंक भी कहा जाता है सिंक, जो हीट रिजेक्ट हो रही है कहा जाएगी कोल्ड रिजर्वायर में, उसको मैं क्यूसी नाम देता हूँ, ठीक है क्यूसी नाम देता हूँ, ये मैंने बना ली इसकी इंजन, क्या कहते हैं इसको एनर्जी डायग्राम, देखो एनर्जी डायग्राम कितनी सिंपल है ना, कितनी सिंपल है, यहाँ पर एक बात बता देंगे, जो टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, ओके, तो इसी के हेल्प से कल हम लोग डिराइव करेंगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, क्या आपको पता है एफिशिएंसी क्या होता है, व्हाट इज एफिशिएंसी, व्हाट इज कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क, अरे वाह कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क, अच्छा अच्छा वेरी गुड, हाँ एफिशिएंसी मतलब क्या, देखो अगर अगर इस सिस्टम को मैं हीट दे रहा हूं, इस सिस्टम को अगर मैं हीट दे रहा हूं, ठीक है हीट दे रहा हूं, अब हीट इस हीट का कितना परसेंट यूटिलाइजेशन होगा वर्क करने में, कितना कितना परसेंट यूटिलाइजेशन होगा वर्क करने में, उसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी, ठीक है अगर 70% उसकी एफिशिएंसी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 जूल अगर हीट होगी उसमें से 70 जूल जो है उसने वर्क प्रोड्यूस किया, एफिशिएंसी कितनी हुई 70% आउट ऑफ 100, ठीक है तो उसमें से बचा कुछ जो 30% था यहाँ पे चला गया वेस्ट हो गया, ठीक है उसे हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं, कल हम लोग एफिशिएंसी डिराइव करेंगे, ठीक है कल हम लोग एफिशिएंसी डिराइव करेंगे, एफिशिएंसी के हम लोग ये भी कहते हैं कि चलो हमने कितना इंटेक लिया, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत खाना खा लिया है
सोचते हैं कि भाई खाना खाने के बाद ऐसे समझो कि अगर मैं ज्यादा खाना खाऊंगा तो ज्यादा मेरे में ताकत आएगी, राइट। तो अगर मैंने बहुत खाना खा लिया तो मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ, है ना। समझो मेरी इफिशियंसी है 30%, 30% मेरी इफिशियंसी है, तो मैं जितना खाना खाऊंगा उस खाने का 30% में यूटिलाइज कर सकूंगा, है ना। तो इसको हम लोग इफिशियंसी कहते हैं, काम करने की क्षमता, ठीक है। तो अब एक काम करो, इसका नोट बना लो और हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं। टाइमिंग कितना बचा अपने पास? 2 मिनट। अच्छा चलो इसको खत्म कर दो, ले आप नोट बना लो इसके और नोट बना के लेफ्ट हो जाओ। चलो ठीक है, आई होप सबका हो चुका होगा, मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ।